brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. हाल ही में शहबाज शरीफ ने एक पाकिस्तानी कारोबारी द्वारा दिए गए सुझाव का कोई सीधा जवाब नहीं दिया था। भारत से व्यापार और इमरान खान से हाथ मिलाने को लेकर सुझावों पर अमल करेंगे कहकर बात को टाल दिया था। लेकिन इस वक्त पूरा पाकिस्तान भारत से दोस्ती के लिए अपनी जान सुखा रहा है। पाकिस्तान के कारोबारियों के बाद अब वहां के राजनीतिक विश्लेषकों ने शहबाज शरीफ सरकार से भारत से रिश्ते सुधारने की मांग कर दी है। विश्लेषकों का कहना है कि देश में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए कारोबारियों की बातचीत पर अमल कर भारत से बातचीत शुरू करनी होगी। उन्होंने स्पष्टता कहा कि भारत के कारोबारी प्रधानमंत्री मोदी से खुश हैं, इसलिए वो तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स ने प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी कर दी है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पाकिस्तानी चैनल एक्सप्रेस न्यूज पर एक्सपर्ट टॉक शो में बोलते हुए पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की चीफ एडिटर नाविद हुसैन ने कहा कि आर्थिक स्थिरता के लिए राजनीतिक स्थिरता बेहद जरूरी है। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार को देश में राजनीतिक स्थिरता कायम करने के लिए अदियाला जेल में बंद इमरान खान से बात करने की सलाह दी है। डेली एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर अयाज खान ने पाकिस्तान के बड़े कारोबारी आरिफ हबीब के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दिए सुझावों का समर्थन किया। उन्होंने विदेश मंत्री शाकदार के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार भारत के साथ बातचीत करने को इच्छुक है और शहबाज शरीफ इस संबंध में सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री डार ने कहा था कि वो भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए संबंधित पक्षों से बात कर रहे हैं। वे पाकिस्तानी कारोबारी सबसे ज्यादा भारत से दोस्ती की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी कारोबारी चाहते हैं इस समय पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करे और इसके लिए जरूरी है कि आपसी साझेदारी को मजबूत किया जाए। भारत जो पाकिस्तान के साथ आपसी साझेदारी तो दूर, एक टेबल पर बैठकर तब तक बात करना नहीं चाहता जब तक पाकिस्तान आतंक मुक्त ना हो जाए। भारत का स्टैंड बहुत साफ है और भारत को टेबल तक मनाने के लिए पाकिस्तान की प्रधानमंत्री को और पाकिस्तान की सरकार को काफी झुकना पड़ेगा। इसी हफ्ते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने देश के बड़े कारोबारियों के साथ एक मुलाकात की थी, जिसमें शहबाज शरीफ से तीखे सवाल किए गए। उनसे कहा गया कि वो देश के हालात सुधारने के लिए दो जगह हाथ मिलाएं, एक हाथ जेल में बंद इमरान खान के साथ, दूसरा हाथ भारत के साथ। कारोबारियों के बाद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की हालत को देख दर्द भी छलक उठा था। पाकिस्तान के कारोबारियों से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश काफी तरक्की कर चुका है। उन्होंने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, जो कि कभी देश के लिए बोझ समझा जाता था, आज उद्योगों के मामले में बहुत आगे जा चुका है। पाकिस्तान को रियलिटी चेक मिल रहा है। पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया में उसकी थूथू हो रही है। पाकिस्तान ये समझ रहा है कि कभी उससे पीछे रहने वाले देश आज उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। और पाकिस्तान को उसकी सबसे बुरी हालत से निकालने में अगर कोई सबसे ज्यादा मदद कर सकता है तो भारत है। लिहाजा पाकिस्तान में हर स्तर पर, हर क्षेत्र के लोग इस समय पाकिस्तान की सरकार को घुटनों पे आने के लिए कह रही है, मना रही है, ताकि भारत के साथ दोस्ती की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।